वीरों की धरती जवानों का देश और बेचते बेचते बालू उड़ा दिए केस फिर भी कस्टमर बोलता है जे तू बलुए नहीं लाता है फ्रेश अरे भैया बलुआ तो हम लाइए देते फ्रेश लेकिन कहा हमको लेबरे नहीं मिलता है बेस अब हमारे सेल्फ हो गए रेस इतने में तो कस्टमर ने हमको रोका बोल बाबू दे दिया तू तो हमको धोखा hmm. एक लेडीस है बोलती है मुखिया जी से hmm. कि हमारो ए मुखिया जी, ताना मारो हथी सब हो मारो ए मुखी जी, ताना मारो हती सब गो। जी, ये कहानी जी आप सब तो जानते ही हैं कि मेरा पहला कॉमेडी जो हम बनाए थे बालू वाला वही सुपर दुपर हिट रहा उसके बाद में वहीं से मेरे अंदर एक भावना जगा कि नहीं हम भी कुछ लिख सकते हैं यूट्यूब पे या फेसबुक या व्हाट्सअप के जरिए कुछ वीडियोज़ बना सकते हैं लोगों के यहाँ पहुँचा सकते हैं तो बस पब्लिक का प्यार मिलते गया और अंदर से हौसला मिलते गया आपकी कौन सी ये है जो वायरल हुई या जिस जिसको लेकर जिस वीडियो से वायरल हुए ज़रा तो कुछ सुनाइए मेरा रोज़मर्रा की जिंदगी वही बालू वाला वही हिट हुआ था कि वीरों की धरती जवानों का देश और बेचते बेचते बालू उड़ा दिए केस फिर भी कस्टमर बोलता है जे तू बलुए नहीं लाता है फ्रेश अरे भैया बलुआ तो हम लाइए देते हैं फ्रेश लेकिन कहा कहें हमको लेबरें नहीं मिलता है बेस अब हमारे सेल्फ हो गए रेस इतने में तो कस्टमर ने हमको रोका बोला बाबू दे दिया तो हमको धोखा और बालू गिराएगा गंदा तो बंद हो जाएगा तेरा धंधा बलुआ तो हम तुम्ही से लेंगे लेकिन ये गाड़ी का पैसे भी नहीं देंगे मैंने कहा चाचा जितना मर्जी है डांटिए लेकिन ये गाड़ी का ना एक रुपया नहीं काटिए आपसे पहले ही बात हुआ था फोन पर मेरा गाड़ी है टोटल लोन पर अगर आप लोग ही ऐसा करेंगे तो गाड़ी का किस्ती कहाँ से भरेंगे चलाने कट जाता है तीन सौ चालीस के तो बजता है गाड़ी के मालिक के कस्टमर ने बोला ठीक है मेरे तेरे बात को माना लेकिन अगली बार बढ़िया से बढ़िया बालू लेके आना मैंने कहा आपके लिए लेबर छऊँगा माँ कसम कल बढ़िया से बढ़िया बालू लेके आऊँगा कस्टमर ने बोला अरे है तो तू ड्राइवर पर सैर जैसा दिखता है मैंने कहा सैर जैसा दिखता है तभी तो इसका बालू हजारीबाग में इतना ज़्यादा बिकता है कस्टमर ने बोला तू इससे बहस करके हो गई मुझसे खता अगर हो सके तो बता दे अपना नाम और पता मैंने कहा मेरा नाम है दिलीप कुमार वर्मा घर पड़ता है गौरिया थे जी अभी वायरल होने के बाद क्या जिंदगी में बदलाव आया और अब कैसे क्या चीज़ कर रहे हैं आप वायरल होने के बाद में ज़िंदगी में यही बदलाव आया कि ये कोरोना काल आ गया बीच में लॉकडाउन उसमें मैंने कॉमेडी बनाए और गाने का भी कुछ प्रयास किया तो गाने भी लोगों को काफ़ी अच्छा लगा तो कमेंट में फेसबुक और व्हाट्सअप के माध्यम से कमेंट में लोग अच्छा अच्छा कमेंट किए तो फिर मैं धीरे धीरे लॉकडाउन में बढ़िया वायरल हो गया लोग मुझे घर घर जानने लगे तो बहुत से खोठा के चैनल हैं उधर से ऑफर आने लगे कि भैया मेरे लिए एक सॉन्ग कर दीजिए प्रोजेक्ट कर दीजिए तो अब उनके लिए गाने करता हूँ और अपना भी चैनल किया हूँ हाँ खोठा अपना भी चैनल किया हूँ दिलीप वर्मा कॉमेडी और उस पर भी डालता हूँ और अन्य प्रोजेक्ट होते हैं जो अन्य चैनल पे उनको भी गाने बना के देता हूँ खोटा का वो भी साफ सुथरा गाने साफ सुथरा जी तो खोटा छोटा आप करते हैं लेकिन झारखंड में जो भोजपुरी मगही और अन्य भाषाओं का विरोध हो रहा है क्या लगता है कि झारखंडी भाषा को या झारखंडी संस्कृति को ये जो बाहरी भाषा जिसे बोला जाता है वो दबा रही है दब रहा है उस वजह से आपको लगता है ऐसा जी तो? कहीं ना कहीं अगर हमारे राज्य के लोग ही अगर बाहरी भाषा को प्रमोट करेंगे बाहरी भाषा के ही गाना को सुनना चाहेंगे तो हमारा जो खुद का भाषा है खोरठा है नागपुरी है संथाली है वो तो दब ही जाएगा ना मैं तो चाहूँगा कि हमारे झारखंड में अगर उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है बंगाल में बंगाली बोला जाता है पंजाब में पंजाबी बोला जाता है तो क्यों ना हमारा झारखंड का खुद का भाषा का गाना हो खुद का भाषा का कलाकार को प्रोत्साहन दिया जाए मैं तो चाहूँगा कि अपना भाषा ही चले अच्छा तब वायरल होने के बाद जो वीडियोस बनाते हैं गाने देते हैं गाते हैं तो उन गानों का क्या रिस्पांस रहता है व्यूज जाता है जैसे भोजपुरी में सौ सौ मिलियन जाता है आप लोग का भी कितने दर कितने दर्शक है सुनने वाले लोग नहीं हमारा एरिया छोटा है बिहार का एरिया तो बहुत बड़ा है इसलिए उतना नहीं जाता है फिर भी दो मिलियन तीन मिलियन चार मिलियन तक जाता है नो no डाउट क्या करती है <coughs> बढ़िया गाना बनाते हैं तो बढ़िया रिस्पांस मिलता है और वैसे भी हमारा गाना का थोड़ा यूट्यूब पे कम रिस्पांस मिलने का ये भी कारण है कि लोग अभी के टाइम में अभी का जनरेशन के टाइम में गंदगी वाले गाना ज्यादा सुनना पसंद करते हैं शादी विवाह में गंदगी वाले ज्यादा बजाते हैं हम तो भाई फ्रेश गाना बनाते हैं साफ सुथरा परिवार में लोग सुने तो कहीं ना कहीं लोग उसको उतना ज्यादा नहीं देखते हैं सुनाइए है जो आपने लिखा जी अभी हाल में ही मैंने एक गाना लिखा था एक लेडीज है बोलती है मुखिया जी से कि हमारो ए मुखिया जी ताना मरो हथी सब गोट चुवई घर हो मरो ए मुखी आजी ताना मरो हथी सब गोट और लिखा दाना हमरो कलोनिया तो हम देली ओहल भोट और लिखा दाना हमरो कलोनिया तुहारे तो हम दिली ऊहल मुखिया बोलता है कि यह ये तनी हमारा फिर में के दल ही भोट हो रात ललह रूपयाबा यहा दामी पर पाँच के नोट हो रात ललह रूपयाबा यहा पर पाँच सौ के नोट देखिए कहीं ना कहीं जो बदलाव हुआ है भैया ये आप सब देख रहे हैं और पब्लिक के साथ साथ आप सबों का भी सपोर्ट है आप लोग हर बार रिपोर्टिंग करते हैं आप सब देख रहे हैं कि पहले मिट्टी का था खपरा का था जैसे तैसे अब कहीं ना कहीं पब्लिक प्यार दे रही है आप सबों का प्यार है कुछ कर पा रहे हैं नया